कथाओं के अनुसार 1573 में महामाया बाला सुंदरी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान से नमक की बोरी में त्रिलोकपुर आई थी। कहा जाता है कि एक बार त्रिलोकपुर और नाहन रियासत में नमक का अभाव हो गया था और ज़्यादातर नमक सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान से लाना पड़ता था। एक लाला जी थे जो अक्सर नमक लेने सहारनपुर जाया करते थे और वहाँ माँ शाकंभरी देवी और भगवती त्रिपुरा बाला सुंदरी के दर्शन भी अवश्य करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता उनके नमक के बोरी में त्रिलोकपुर आ गई थी। उनकी दुकान त्रिलोकपुर में पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ करती थी। लाला जी ने देवबंद से जो भी नमक लाया करते थे अपने दुकान में बेचने हेतु रख दिया करते थे। नमक बिकता जाता था पर दुकान से नमक खत्म नहीं होता था। लाला जी उस पीपल के वृक्ष को हर रोज सुबह जल देकर उनकी पूजा करते थे। उन्होंने नमक बेचकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह एक दिन चिंता में पड़ गए कि आखिर हमारा ये नमक खत्म क्यों नहीं होता। माता खुश हुई और खुश होकर रात को लाला जी के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, मैं आदिशक्ति श्री विद्या त्रिपुरी सुंदरी हूँ। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से अति खुश और प्रसन्न हूँ। मैं यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बाल रूप में, पिंडी रूप में स्थापित हो गई हूँ और तुम मेरा यहाँ पर भवन बनवाओ। लाला जी को अब भवन निर्माण की चिंता सताने लगी। लाला जी ने फिर माता की आराधना की और उनसे कहा कि इतने बड़े भवन निर्माण के लिए मेरे पास सुविधाओं व पैसे की कमी है। माता, आपसे एक विनती है माता, कि आप सिरमौर के महाराजा को भवन निर्माण का आदेश दें। माँ ने अपने भक्त की पुकार सुन ली और उस समय सिरमौर के राजा प्रदीप प्रकाश को सोते समय स्वप्न में दर्शन देकर भवन निर्माण का आदेश दिया। राजा ने राजस्थान के जयपुर जिले से सुप्रसिद्ध कारीगर बुलवाए और माँ का भवन बनाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में माँ का भवन बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया माता बाला सुंदरी, जो आज भी काले आम के समीप त्रिलोकपुर में स्थित है।